बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक, फिटफाट और मजे में है। तो देखे फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी लिख सकते हैं वीडियो रिलेटेड। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड से शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने का भी कहें थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नियाती नई वीडियो में कौन सी रेसिपी शेयर करें। आज फिर हम इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर कर रहे हैं। इवनिंग में अच्छी सी चाय बना रहे हैं और इसके अलावा सोइयां बना रहे हैं, दूध वाली सोइयां बनाएंगे। दूध वाली सोइयां बनाने के लिए ओलपर का मिल्क ले लिया हमने यहाँ पे 1.5 लीटर वाला। वैसे तो खुला दूध भी हमारे पास ये देखिए काफी पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, पर हम खुले दूध की जो है खुले दूध की सेवियां कह रहा हूँ, टेट्रा पैक का जो मीठा है ना वो उसका जवाब ही अलग होता है। टेट्रा पैक में चाहे हम मिल्क शेक भी बनाए, टेट्रा पैक में बनाते हैं, खीर बनाए, सोइयां बनाए, उससे मजा आता है, ठीक है ज्यादा। यस, तो टेट्रा पैक ले लिया और सोइयां ले ली है, नेशनल की सोइयां, ठीक है। ठीक है, ये चाय पत्ती गई, अच्छी सी शाम की चाय तैयार करते हैं। और इसके अलावा सोइयां बना रहे हैं अच्छी सी, ठीक है। सोइयां बनाने के लिए हमने ले ली है सेवियां, हमेशा से नेशनल की हमारी फेवरेट सोइयां, और इधर ले ली है घी, ठीक है। घी में बनाएंगे ना सोइयां तो ज्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। घी का डब्बा बिल्कुल नहीं है तो इसको खोल भी लेते हैं, दिखाओ पार्टी। बनती है या फिर बटर भी इसमें डाल सकते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं, मतलब देसी घी भी है और ये घी में। यस, आज हम जो है वो बना रही है, क्या कहते हैं शीर खुरमा के लिए जो है सेवियां थोड़ी चूरा की जाती हैं। यस 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 यस। तो देखिए फिर शीर खुरमे के लिए ना थोड़ी सी सेवियों को इस तरह से हम तोड़ लेंगे, ठीक है। यस, तोड़ने के बाद इसमें डाल देंगे, चम्मच गर्म हो गया और सोइयों को अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोइयों को रोस्ट करेंगे, ठीक है। शीरकुरमे के लिए सोइयां रोस्ट की जाती है ना, थोड़ी सी ये खुशबू देने लग जाएंगी तब तक इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जी जी, क्या हुआ कचरी भाई?
ठीक है सर, थोड़ी सी टोस्ट कर दी। ठीक है, हमने इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया सेवइयों को शीरकुरमा बनाने के लिए। अब इसमें पानी डाल देंगे, और साथ में देखें कावा भी अच्छे से कट गए, उसमें डाल देंगे दूध। ठीक है, यस। ठीक है, सेवियां आप पकेंगे, शुरू में तेज फ्लेम पर रखेंगे, फिर धीमी आंच पे रख के इनको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। साथ में देखिए चाय में भी पहला उबाल आ गया, अब ये दूसरा उबाल है चाय का। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी चाय तैयार हो रही है। ये चलो तो देखिए फ्रेंड्स, सोइयां जो है तेज आंच पर रखने के बाद जब इसे उबाला आ गया था तो हमने फिर इसे दरमियानी आंच पे थोड़ी देर छोड़ा है, क्योंकि ये जो सोइयां होती है ना अपना स्टार्च छोड़ती हैं, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। देखिए वैसे तो हमने दूध भी 1.5 लीटर डाला, यानी कि 1.5 किलो दूध डाला है, और होता भी ये ओलपर का जो दूध है ना ये गाढ़ा होता है सबसे ज्यादा टेट्रा पैक। तो अब इसमें चीनी डाल देंगे ताकि चीनी भी साथ ही पक जाए। दरमियानी चीनी में डालूंगा क्योंकि हमारे घर में मीठा दरमियाना खाया जाता है, वालिद साहब भी दरमियाना मीठा खाते हैं और yes. वालदा साहिबा थोड़ा तेज मीठा खाती हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे जी, अगर उन्हें तेज करना हो। ये डाल दी, अब मैं सोइयों में डालूंगा चुटकी भर नमक, इससे क्या होगा मीठा बन जाएगा। ठीक है, ठीक। अब चीनी भी, हमेशा चीनी किसी भी मीठे में डालें, चाहे चीनी चाय में डालें, मीठा पका लें। ठीक है,
इवन शरबत भी अगर आप बनाते हैं ना नींबू वगैरह का, तो शीरा पका के रखा करें चाशनी, उससे बनाएंगे शरबत और अच्छा बनेगा। ठीक है, अब हम चाय निकाल लेते हैं पीटी वाली। नहीं पीटी ये चाय जो है विदाउट शुगर है वाली साहब के लिए, क्योंकि वाली साहब पीते हैं विदाउट शुगर चाय, तो हनी डाल लेते हैं, हनी या फिर स्वीटेक्स जो होता है ना, यस वो डाल लेते हैं, गोली जो होती है ये तो ऐसे भी पी लेते हैं। तो और वालदा साहिबा मैं और भाई जुनेद जो है मीठी चाय पीते हैं, यस हम अपनी चाय में चीनी डाल लेते हैं क्योंकि हमें मीठे मीठे प्यारे प्यारे हुए। ये क्या, और चाय में भी चुटकी भर नमक डाल देते हैं और देखते हैं चाय का टेस्ट। चाय में भी चीनी डाल के पका लेंगे थोड़ी देर। ठीक है, चल थोड़ी देर पकाते हैं सवैयों को और थोड़ी देर चाय में उबाल आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सवैयां भी रेडी हो गई हैं और चाय भी हमारी तैयार हो गई है। यस, ये फीकी वाली है। यस यस, काम करो भाई, चलो देखा कितनी प्यारी सोनिया आ रही हमारी मशीन।
यस। चलो अब सिस्टर जो है सवैया सर्व करेंगी, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स, आप बना रही हैं चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी बनाओ, पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया खूब सारा चिकन। दिखाओ कितना सारा चिकन है हमारे पास। ये फ्रोजन था तो गीला करके रखा है। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए प्याज ले लिया, लहसुन है और अदरक का टुकड़ा है, ठीक है। तो यखनी बनानी है पहले, तो यखनी बनाने के लिए हम ले लेंगे चिकन। यहाँ पर चिकन ले लिया हमने, और इसके अलावा इस चिकन में देखें ये यखनी पुलाव इस चिकन का बनेगा, ठीक है। ये कितने प्याज है, लहसुन है, लहसुन दो बड़े बड़े, दो लहसुन है, तो एक लहसुन जो है यखनी में जाएगा और थोड़ी सी प्याज भी यखनी में जाएगी। ये यखनी वो होगी जो छाननी नहीं है हमने, ठीक है। ठीक है, ये इसमें अदरक का टुकड़ा जाएगा, और यखनी में ही सब कुछ होगा, ठीक है। यस। मसाले वगैरह सवाई नमक के। जाएंगे कुछ मसाले, जैसे कि ब्लैक पेपर पिसी भी जाएगी, काली मिर्च, ठीक है, हल्दी जाएगी यखनी में, हल्दी जरूर जाएगी, और इसके अलावा ये गरम मसाला पाउडर है, ये चला जाएगा। मेरी यखनी में ही सब कुछ होगा, ठीक है, मसालों में नहीं जाएंगी चीजें। और नमक जाएगा, नमक नहीं, नमक उसमें डालेंगे। नमक जो है मसाले में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि नमक तेज हो जाएगा। और यहाँ सफेद जीरा, जीरा सफेद जीरा खत्म हो गया, ऊपर साबुत है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। ये देखो यखनी में जाएंगी सिनेमन स्टिक्स दो तीन, ये लौंगे चलेगी, देखो तीन चार और एक पांच, एक ये चला जाएगा, yes। फूल और तेज पत्ता चला जाएगा दो अदर, और ये मोटी इलायची ये वाली चावड़ों वाली, ठीक है, ये हम खोल के डालेंगे बस। कितना पहला कर मसाला है ना, माशाल्लाह। और ये है सफेद जीरा, ये चला गया। अब इसमें ये मोटी इलायचियां थोड़ी सी खोल के डाल, ये चली गई। अब ये चला जाएगा चूल्हे पे, नीचे से फ्लेम ऑन होगा, ये होगा। अब इसमें चला जाएगा मटर जाएगा जी जी, उससे पहले मैं रेड मिर्च डालू, वो मोटी वाली नहीं, वो इधर होगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए मेरी यखनी में ही सब कुछ होगा, ठीक है, ठीक। अब मैं सिर्फ नमक डालूंगा ना, वो उसमें जो कोरमा सब बनाएंगे, ठीक है, सही। ये रेड चिली में चलेगी, अगर थोड़ी लगी थोड़ी सी और डाल देंगे, वैसे तो प्रॉब्लम डाल देंगे।
इसमें आप सिर्फ नमक की कमी है, ठीक है। और ये अपनी छानने वाली नहीं है, अगर छानने वाली होती ना तो लहसुन छिलकों से मिल जाता, वो भी बहुत अच्छी बनती है, पर ये छानी नहीं जाएगी। इसमें साबुत गर्म मसाला भी नहीं गया, पिसा हुआ गर्म मसाला डाला है हमने और सफेद जीरा भी डाला, तो ये छानने वाली यखनी है, ठीक है। ठीक, बहुत सारा पानी ताकि यखनी अपना हड्डियां अच्छा सा जायका छोड़े और ये जो मसाले डाले ये भी अच्छे से पके, ठीक है। अब ये यखनी पकेगी, ठीक है, मिलते हैं। देखें यखनी बनाने के लिए, यखनी पुलाव बनाने के लिए एक चीज तो भूल ही गए, वो क्या चीज थी? सूखा धनिया। सिस्टर ने याद कराया, थैंक यू। तो देखें क्योंकि सूखे धनिया के बगैर पुलाव नहीं बनता अच्छा, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं डालूंगा, थोड़ा सा डालूंगा, ये देसी वाला है छोटा सूखा धनिया, ठीक है, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा। और ये पकता रहेगा यखनी तकरीबन, चिकन है तो 30-35 मिनट पकाएंगे इसे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यखनी तैयार हो रही है, ये देखिए जब ये एक तरफ से होगी ना, चिकन खुल भी गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ। अच्छा हड्डियां जूस छोड़ेंगी ना, हड्डी वाला चिकन लेंगे, ये देखो इसमें विंग्स है, इसमें चौड़ियां है ज्यादातर, और ये अब हमारी यखनी, इसमें विंग्स और चौड़ियां है जी, ज्यादातर विंग्स और चौड़ियां है। तो ये जितनी अच्छी यखनी बनेगी ना, उतना ही अच्छा आपका पुलाव बनेगा। यखनी पुलाव बहुत मजे का बनता है इंशाल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह पानी। तो देखिए ये चावलों का पैकेट है जो वाली साहब लाए, ये तकरीबन 50 केजी का था कि 40 केजी का, 50 केजी है ना, ये लिखा, ये लिखा 50 केजी, 50 केजी। तो ये पूरा खत्म हो गया क्योंकि बाल्टी वगैरह भी नहीं है। यस, तो अब हम इसे इस बाल्टी में डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, चावल आएंगे ना, पहले सिस्टम ने ये रखा हुआ था इसमें बाउल, और इससे डाल लिया करती थी इसका मसाला। कोशिश करते पलटी करके डाल दे, यस। बस 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 जान, बस बस जान, बाकी भी करिए, यस, बाकी अब ये जो थैला है और इसको रखते नीचे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा चावल है, ये गुड क्वालिटी का राइस है, ये भी हो गए। अब हम ऐसे करते हैं ना, चावल ले लेते जितने हमने कुक करते हैं, इसे ले लो, यस, दाजा रेगन है इसमें, थोड़े से गिर भी गए, रोक लो। बहुत है, डालो डालो, दैट्स एनफ। बहुत है, यस, ठीक है, यस यस, इसको हम रख लेंगे नीचे, यस। और इधर यखनी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ देगचा रखते हैं और कोरमा रेडी करते हैं। तो देखें फ्रेंड, चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैन रख ली है, अब सिर्फ हमने पुलाव में हर चीज डाली हुई है, ठीक है, मसाले तकरीबन सारे सूखे डाले हुए, सिर्फ अब हमने क्या करना है कि पुलाव का कोरमा सा तैयार करना है, ठीक है, yes। यानी कि प्याज थोड़ा सा लाल करना है और उसमें फिर टमाटर डाल के पकानी है और फिर चिकन डाल के भून लेंगे, बिस्मिल्लाह पानी। ये हमारे पास प्याज, हरी मिर्चें जाएंगी और प्याज जाएगा, ठीक है, yes। ये इसमें पुलाव के साथ ही प्याज चली गई,
प्याज मैंने बीच में भी डाली है। अच्छा प्याज को कुक कर लेते हैं। जब तक प्याज कुक हो रही है तो देखिए फ्रेंड आज दूसरी रेसिपी डिनर में कौन सी बन रही है। एक तो बन रहा है मजेदार सा चिकन पुलाव और दूसरा बन रहा है मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियां ली हैं। इसमें शिमला मिर्च है, मटर है, दिखाओ मटर कितना अच्छा है, पर अभी ये महंगा है 300 रुपए किलो मेरा इस्लामाबाद में। फूलगोभी है, देखे वाली साहब कितनी प्यारी सब्जी लाए थे, कल लाए थे, और ये हमने फ्रिज में रखी थी। और ये गाजरे भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, हलवा और जूस खूब सारा बनाएंगे, ठीक है। और मिक्स वेज बनाने के लिए इसके अलावा मेथी है जो सिस्टर ने साफ करके अंदर रखी हुई है, ठीक है। धो के पहले मेथी को, फिर सिस्टर ने साफ करके रखा हुआ है। मेथी बनाने के लिए हमने मसाला ले लिया, लहसुन प्याज हरी मिर्चे और अदरक और टमाटर और इधर भी कुछ मसाला पड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेथी तो हमारी साफ है, मैं ये सब्जी साफ करता हूँ साथ साथ, और सब्जी साफ करके हम पकाएंगे इंशाल्लाह। यस रख लेंगे ना, ताकि एकदम जब वो हो जाएगा पुलाव को दम पे दे देंगे चिकन पुलाव को। yes, और फिर सेकंड रेसिपी शुरू करते हैं, सेकंड रेसिपी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन ये मिक्स वेज में ना शिमला मिर्च जा रही है, मटर जा रहा है, फूल गोभी जा रही है, गाजर जा रही है, और मेथी और आलू डालेंगे, ठीक है। ये आप एक ले लो ना इस तरह के। तो देखिए शिमला मिर्च सबसे पहले साफ कर लेते हैं। शिमला मिर्च के अंदर से ये सीड जो है रिमूव करनी चाहिए ना। यस yes. क्योंकि ये हांडी भी कड़वी कर देते हैं और हजम भी देर से होते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सारी चीजें लूंगा, मिक्स वेज भी बनाएंगे और साथ में अच्छा सा पुलाव, चिकन पुलाव बना रहे, चिकन यखनी पुलाव, ओरिजिनल ट्रेडिशनल वाला पुलाव बन रहा है हमारे घर में, हमारे किचन में, ठीक है। तकरीबन इसमें दो शिमला बहुत है, क्योंकि सारी सब्जी डलेगी तो थोड़ी थोड़ी डाल के बहुत ज्यादा हो जाएगा सारा मलबा, ठीक है। तो देखिए इसकी ये जो बीज है ना, ये हम रिमूव कर लेंगे इस तरह से। माशाल्लाह कितनी प्यारी सब्जी है ना। yes. ये काली वाली साहब लाए थे और सिस्टर ने और मैंने जो है हम दोनों ने मिलके इसे फ्रिज में ऑर्गेनाइज किया। यस फ्रिज में रख लिया था। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा इसके साथ रह गया था, तो ये भी मैं डाल लेता हूँ, क्योंकि कोई चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इतनी महंगाई है। पर ये बीज हमने नहीं यूज करना, ठीक है। शिमला के ये हो गया, शिमला साफ होगी। अब हम ले लेंगे फूलगोभी, फूलगोभी भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, सब सब्जी थोड़ी थोड़ी जा रही है। यस यस, दिखाओ फूलगोभी कितनी प्यारी है। जितना मुझे फूल यूज करनी है मैं उतने निकाल दूंगा। बहुत अच्छा है, काटते भी अच्छे है ना, तो लोग बन जाएंगे। देखो प्याज ने कलर निकाल दिए, अब इसमें ऊपर पापा कैट से मिल जाएंगे। यस यस, मिस्टर कैटू, मिस्टर कैट है ना, किटन्स है। कितने प्यारे टमाटर है, दिखाओ बड़े बड़े, माशाल्लाह। मैं दही भी डालना है तो मैं बस डेढ़ ही टमाटर डालूंगा।
ये हो गया। अब इसको हम कवर अप करते हैं, थोड़ा सा टमाटर को पकने देंगे, ठीक है। थोड़ी सी यखनी इसमें और डाल देते हैं। वापिस आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। देखिए सब्जियां साफ कर रहे थे, ये छुरी कहाँ गई? गाजर हमने साफ कर ली, गाजर कह रहे हो शिमला, और वो साफ कर लिए, क्या कहते हैं, गोभी, फूल गोभी, गोभी। और गाजर को इस तरह से, ये वाली गाजर का छिलका नहीं उतारते, इसको इस तरह से क्रू लेके, ठीक है, मैं क्रू लू तो फिर मिलते हैं। अच्छा। दिखाओ मटर भी छील लिए और टमाटर भी फ्राई पे, टमाटर अच्छे से भून लेते हैं। चावल चले जाएंगे, ठीक है, बाकी हमें इसमें मसाले मसूले सब कुछ डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं, जो कि आज हम बना रहे हैं। Thank you.
यस बहुत है, बहुत ज्यादा फिर इसकी स्मेल आती है, बाकी वेजिटेबल क्यों नहीं आएगी है ना। पहले गाजर और आलू डालेंगे ना भाई, फिर ये एंड में डालेंगे ना जी, मेथी पहले डालेंगे फिर गाजर आलू साथ डालेंगे।
और शिमला और मटर जो है लास्ट में देंगे। मटर को तो बिल्कुल रोस्ट नहीं करना, ठीक है। शिमला थोड़ी सी रोस्ट कर देंगे। टमाटर गलने तक अच्छे से पकाते हैं, अच्छा सा मसाला रेडी होगा ना तो वो अच्छा सा बनेगा, ठीक है। yes. इसका प्रोसेस मैंने पुलाव का दिखाओ रोका हुआ है क्योंकि मैंने चावल जो है लेट भिगोए हैं, वो भी सिस्टर ने याद कराया है, तो चावल भीगे हुए तकरीबन 10-15 मिनट चावल जरूर भीगना चाहिए, नहीं भीग के भिगोएंगे कभी भी अच्छा चावल नहीं बनेगा। इधर जो है मैं ये सब्जियां चॉप करता हूँ, आलू छीलता हूँ और आपको रेडी करके फिर मिलता हूँ, तब तक हमारा टमाटर गल जाए।
मिक्स वेज के लिए मैंने गोभी जो है ना इसके डंठल नहीं उतारे, क्योंकि डंठल उतारूंगा ना तो ये बिल्कुल बीच में मलीदा हो जाएगी। डंठल से बरकरार फूल रहेगा जो मिक्स वेज में नजर आएगा, ठीक है, खूबसूरती के लिए। आलू पोटैटो हमने धो के रखे हैं पील करके। अब जिस साइज की वेजिटेबल्स होती है ना उसी साइज में आलू काटा जाता है, मतलब हमारी सारी सब्जी छोटी छोटी होगी। जी डाल दो, एक रहने दो ना, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, एक चावलों में डाल दिया ना। हो गया पुलाव, दही पक गया अच्छे से, देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें चावल डाल देंगे राइस, ठीक है, yes. जो हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट भगो के रखे हैं, जरूरी होता है चावलों को भगो के रखें। यखनी भी है ना, यखनी खत्म हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब इसमें सबसे पहले जाएगा आलू, आलू भी मैंने छोटा छोटा काटा है, इसको कोई ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है, और कैरेट्स भी छोटी छोटी। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू और गाजर मैंने भून लिया है। अब जो नेक्स्ट सब्जी की बारी आती है मिक्स वेज में, वो है मेथी, है ना, मेथी है, मेथी इसमें जाएगी। यस, और मेथी के साथ जाएगी इसमें गोभी, है ना, यस। ये दोनों चीजें भूनने वाली हैं, और शिमला को आखिर में थोड़ा सा ऑन करेंगे,
और फिर मटर डाल देंगे और ये अपना पानी भी रिलीज करेंगी और हल्का सा पानी हम डालेंगे जिसमें सारी चीजें कुक हो जाएंगी। आलू जो है छोटे छोटे काटे हैं और गाजर भी, तो वो गल जाएंगे उसी के साथ ही। अगर उनको लादा से गलाने बैठे तो वो बिल्कुल गारा बन जाएंगे लास्ट में, ठीक है। मेथी को भूनना जरूरी होता है, ठीक है। yes. मेथी को भूनेंगे ना तो बहुत प्यारी खुशबू होती है, ठीक है। थोड़ी देर में मेथी भूनता हूँ और साथ में देखे चावलों में भी हमने पानी डाल दिया और चावलों का अंदाजा ये होता है कितने चावल ले रहे हो, उससे दुगना पानी लिया जाता है या फिर जिस तरह मैंने उंगली डाल के चेक की है 1 इंच नीचे डूबे होने चाहिए, ठीक है। अब तेज फ्लेम में ये कुक होंगे, मैं थोड़ी देर गोभी भून लूं। गोभी और मेथी हमने अच्छे से भून ली है, गोभी को भूनना जरूरी होता है और मेथी को, ठीक है। साथ में देखे चावलों में जो है नमक डाल लेते हैं, ये परफेक्ट टाइम होता है जिन लोगों को सही अंदाजा नहीं रहता ना चावलों में नमक का तेज हो जाता है या कम हो जाता है, तो ये परफेक्ट टाइम है चावल में नमक चख के डालने का या फिर लास्ट में डालने का, ठीक है। तो मैं नमक डाल लेता हूँ, वैसे मैं भूल गया था, वालदा साहिबा ने और सिस्टर प्यारी ने याद कराया, क्योंकि मैंने मसाले वाली यखनी बनाई थी तो याद नहीं रहा। मेथी की भुनने की वो इतनी प्यारी आ रही है, नमक डालने के बाद मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और पीछे सब्जियां ही नहीं रह गई, बस वो रह गया दो चीजें तो। ये गया इसमें सारा मलबा, चलेंगे मटर। यस, और मटरों के साथ चला जाएगा पानी। मटर को कभी भी ना भूने क्योंकि मटर से कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम गाजर और आलू को पहले बना पका देते ना तो फिर ये लीजा हो जाती, बिल्कुल ही वो खत्म हो जाती ना, क्योंकि मैंने बारीक बारीक काटा है। आलू भी देखे कितना बारीक है और गाजर भी, ये साथ पक जाएगी चीजों के, ठीक है। दम दे देंगे ना, दम लगा देंगे मतलब हल्की फ्लेम पर रख देंगे और ये वेजिटेबल्स तो अपना पानी भी काफी सारा रिलीज कर, बस अब बहुत है पानी इसमें। देखिए अभी से मसाला कितनी प्यारी लग रही है, कुक करते हैं, ठीक है। ये अपना पानी भी छोड़ेंगे, इसको दरमियानी आंच पे रख के तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट पकाएंगे। मिक्स वेजिटेबल में ये होता है ना, सब्जी गिरनी नहीं चाहिए, गिर जाए बुरी लगती है, ठीक है। इधर चावल भी 80% पानी खुश्क हो रहा है, मिलते हैं। देख
देखिए वेजिटेबल पक रही है, बिल्कुल धीमी आंच पे रखी हुई है, और इधर जो है चावल हमारे दम पे आ गए। देखे हटो, बहुत अच्छे आ गए। अब हम चावलों को देखें ट्रेडिशनल वे, कपड़े का दम हमेशा बांध रहे हैं। किचन नैपकिन जो है ये बांध लेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसके ऊपर पानी का छिलका भी दे देंगे, ठीक है, yes. ताकि हमेशा चावल जो है भाप में अच्छा खिलकर बनेगा इंशाल्लाह। ये हो गया, और हम मिक्स मिक्स करेंगे। अब हम ऊपर से ढक्कन लगाएंगे, और इसके ऊपर एक ये थोड़ा सा गीला कपड़ा है, भीगा भागा सा, ये रख देंगे, क्योंकि सारा काम जो है चावलों के अंदर भाप का होता है, भाप बनेगी चावल अच्छा खिलकर बनेगा, ठीक है, यस। याद रखें चावल हमेशा भाप में पकता है। ये हो गया, इसके ऊपर वेट रख दे, कोई भी ईंट रख दे, पानी देखती करके रख दे, ये रख देंगे इस तरह से, और शुरू में थोड़ी सी इसके अंदर भाप इंक्रीज करेंगे, तेज फ्लेम खोला है, जैसे ही भाप बन जाएगी फिर इसे मीडियम फ्लेम पर रख के 35 से 40 मिनट चावलों को दम देंगे। सब्जी की हालत दिखाओ, देखे सब्जी को कोई चम्मच चम्मच नहीं फेरने, ये पक रही है और इसका ओरिजिनल कलर है, यस इंशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, हांडी भी हमारी डन होगी, पुलाव दम पे है, बस पुलाव जो है खोलेंगे तकरीबन 35 मिनट बाद। ये दिखाओ, ये जो है वाली साहब काफी सारी सब्जियां लाए हैं फ्रेश वेजिटेबल बाजार से, तो उसमें लाए हैं सरसों का साग, दिखाओ ये सीजन का पहला सरसों का साग है, देखिए कितना प्यारा है। तो इसको साफ कर लेते हैं, देखिए इस तरह से, ये आजकल लोग क्या करते हैं इसको साफ नहीं करते, डायरेक्ट ही वो होता है एक, उससे काट लेते हैं, चॉपर सा होता है ना, तो yes. इसको पहले पहले देखे लोग इस तरह से, मेरी वालदा साहिबा साफ करती थी बैठ के इस तरह से ना, जो खोड़ी गंदल होती है वो नहीं डाली जाती, ये जैसे खोड़ी है ये नहीं डाली जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम एक पालक और मेथी भी डालेंगे, एक पालक भी है और मेथी तो ढेरों ढेर है हमारे पास है ना, यस yes. तो मेथी भी डालेंगे, तो ये साग है सीजन का पहला साग, देखे साफ कर करके रखते जा रहे, इसको इस तरह से साफ करना जरूरी होता है, देखे ये आप इस तरह से करेंगे ना तो जो ये टहनी टूटेगी, दिखाओ तरीका क्लोज व्यू में, ये जो टहनी टूट जाएगी ना ये ठीक है, और जो ये इस तरह से लटक जाएगी ये थोड़ा है साग ये वाला, ठीक है, यस yes. तो ये देखें इस तरह से करेंगे, और कुछ लोग जो है ना ये जो खोड़ी टहनी है इसको छील भी लेते हैं, देखें साग छील कर भी बन जाता है, अगर ज्यादा खोड़ा हो तो फिर लोग छील लेते हैं, पर हम इस तरह से छीला हुआ साग नहीं बनाते, मेहनत बहुत लगती है, हम इस तरह से ये जो पत्ते हैं आगे वाले लवे लवे ताजे पत्ते वो तोड़ लेते हैं, ठीक है, ये जो खोड़ा है ये यूज नहीं करेंगे, खोड़ को अगर खोड़ा डाल देंगे फिर साग अच्छा नहीं बनेगा, और हमारे मेरी वालदा साहिबा जो साग जो है ना वो इसी तरह बनाना पसंद करती है, जैसे ये है ना yes. इसको इसी तरह बनाती है, वो लंबा लंबा साग होता है, खाने में बहुत मजे का टेस्टी लगता है, पर हम इसको पालक एक डाल के बना रहे हैं और मेथी डालेंगे, तो हम इसको घोंटा लगा के अच्छे से जिस तरह से पंजाब में बनता है ट्रेडिशनल वे में साग, उस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये देखिए कितना ताजा फ्रेश साग है, सीजन का पहला साग है, बहुत अच्छा है। तो मैं साफ कर लेता हूँ फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड मिक्स वेज भी बन के रेडी है, दिखाओ जी भाई। तो देखिए फ्रेंड मिक्स वेज भी बन के रेडी है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है ना, यस। और साथ में हम बना रहे हैं रायता, तकरीबन चावलों का भी टाइम जो है कंप्लीट हो गया, तो साथ में अच्छा सा रायता बनाने के लिए देखिए सिस्टर ने क्या क्या चीज रखी है। सिस्टर ने रखा है खीरा चॉप करके, यस। तो खीरे को काट लेते हैं तरह से, खीरा पील करके रखा है, खीरा पील करके रखा है, हरी मिर्च चॉप रखी है, और इसके अलावा सिस्टर ने रखा है प्याज टमाटर, प्याज पील करके रखा है, और एक टमाटो रखा है, ठीक है, यस। मजेदार सा बना रायता रेडी करते हैं।
इसमें डलेगी ब्लैक पेपर और साल्ट है ना। चावलों के साथ रायता जरूर होना चाहिए ना भाई। यस, रायते से ना टेस्टी बनता है। आज पुलाव बन के रेडी है, दिखाओ बिस्मिल्लाह मार्की। ये देखिए माशाल्लाह से मजेदार सा पुलाव और साथ में मजेदार सी वेज सब्जी, मिक्स वेज सब्जी। ये देखिए आज दोनों चीजें रेडी हो गई हैं, बस अब सिस्टर सर्विंग करेंगी। ये इसके साथ रायता है। चलो तो देखिए फ्रेंड, ये साग धो के रखा हुआ है स्टेनर में और इधर पालक रखी हुई है। यस, अब हम पालक और साग जो है धो धो के डालते जा रहे हैं इस हांडी में, जो कि ओवरनाइट पकेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे से हमने स्टेनर में इसको रखा हुआ। तीन गठियां थी साग की और एक पालक की और मेथी है ना जी। एक मेथी डाल देंगे, एक गट्ठी पूरी। चलो ठीक है, मैंने कल आपसे ये भी शेयर कर लू, साथ साथ बैठता जाएगा, साथ साथ हम डालते हैं। दिखा। यस, साग साग में डाल देंगे लहसुन प्याज और हरी मिर्चें खूब सारी। यस yes. ये चलेगी और साथ में इसमें डालेंगे नमक, नमक से ये बैठ जाएगा अच्छे से, घुल भी जाएगा। देखो अभी थोड़ा नमक डालेंगे, फिर 5 मिनट रेस्ट कर लेंगे और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। वैसे ये लाल मिर्च, वैसे ये हरी मिर्च नहीं पकता है। ठीक है, ये सब चीजें चलेगी, बस अब हमारा साग ये ओवर नाइट पकेगा। ठीक है, दिखाओ पूरी रात पकेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। और दूसरी रेसिपी देखें, ये चिकन ब्रोस्ट बनेगा। यस यस, चिकन ब्रोस्ट दिखाओ क्लोज।
ये देखें, इसमें डाल देंगे लून, सिंपल सी है ये, इसको मैरिनेट करना है ठीक है। नमक चला गया और इसमें चली जाएगी रेड मिर्च और इसमें चली जाएगी पेपरिका का, ये है तो सही चिली फ्लेक्स का डब्बा भरा है तो आप दे ही नहीं रहे, ये वाली पेपरिका और इसके अलावा इसमें जाएगा सिरका, क्लोज भी हो नहीं, सिरका नहीं है ये, क्या है, सोया सॉस ठीक है यस। और इन चीज सब चीजों को हम करेंगे मिक्स, ये ओवरनाइट मैरिनेट होगा ठीक है 24 घंटे के लिए ये, और इसमें इतना पानी डालूंगा जिससे ये डूब जाए। इसको हम कवर अप करके रात भर के लिए रख देंगे फ्रिज में ठीक है। ठीक है चलो।